कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। इस घटना को एक महीना पूरा हो गया है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई की। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने घटनास्थल पर बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। वहीं सीबीआई ने भी अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। 20 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच पर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों के आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के बाद कोलकाता के मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। सीजेआई ने कहा कि हमने जांच की आगे की दिशा देखी है। हम खुली अदालत में इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम मंगलवार तक एक स्थिति रिपोर्ट चाहते हैं। सीबीआई जो खोज रही है उनके सुरागों के आधार पर आगे बढ़े। कोर्ट अगले मंगलवार यानी 17 सितंबर को सुनवाई करेगी। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ, बहस के दौरान किसने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान 23 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ते हुए सीजेआई ने एसजी से पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। सिब्बल ने बताया कि 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। सुप्रीम कोर्ट से एसजी ने कहा कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से कुछ छिपाना चाहती है, तभी रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसी को नहीं दी गई। हम जानना चाहते हैं कि यूडी यानी कि अप्राकृतिक मृत्यु किस समय पंजीकृत हुआ। सीजेआई ने जीडी में दर्ज किए जाने का समय पूछा। सिब्बल ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पर दिया गया। सिब्बल ने कहा कि जीडी में दोपहर 2:55 पर दर्ज किया गया। सीजेआई ने कहा कि ये बताने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज है कि आरोपी किस समय अंदर आया और वहां मौजूद था। जाहिर तौर पर सुबह 4:30 के बाद का फुटेज होगा। क्या सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दिया गया है? सिब्बल ने बताया कि 4 क्लिपिंग कुल 27 मिनट की अवधि की है। हार्ड डिस्क में वीडियो कई भागों में दिए गए हैं। तकनीकी गड़बड़ी के चलते फुटेज एकत्रित है लेकिन पूरी दी गई है। एसजी ने कहा कि हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है। एक बात मानी गई है कि जब लड़की 9:30 मिली तो वह अर्धनग्न हालत में थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने नमूने ले लिए हैं। सीएसएफएल को दोबारा भेजा गया है। सीबीआई ने नमूने एम्स और अन्य सीएफएसएल को भेजने का निर्णय लिया है। नमूने किसने लिए ये प्रासंगिक हो गया है। नमूनों का परीक्षण बंगाल में सीएफएसएल में किया गया था। इधर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महीने बाद भी लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। श्याम बाजार इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। घटना के विरोध में आम लोगों ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान मशाल जुलूस निकाल कर लोगों ने न्याय की मांग की। कोलकाता के अलावा दिल्ली चितरंजन पार्क में भी महिला डॉक्टर को जल्द न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मामले में जांच देरी होने के कारण इसके विरोध में दिल्ली की सावित्री मार्केट से शेयर मार्केट तक कैंडल मार्च निकाला गया।